वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ आशी फ्रॉम अमायरास मेकओवर्स। गाइस, मैं आज के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहला वीडियो है जो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। आपने कमेंट्स में भी देखा होगा कि मेरे हर वीडियो में बॉयज़ ने कमेंट्स किया है कि प्लीज़ हमारे लिए भी कुछ बताइए, एंड इवन जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया था कि उनके लिए मैं कुछ बताऊँ। तो ये जो वीडियो है ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए सेम इंटरेस्टिंग है, सेम यूज़फुल है, क्योंकि मैं आज आपको स्किन केयर के बारे में बताऊँगी कि जो ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है, उस कि हम केयर कैसे कर सकते हैं और अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, नरिश बना सकते हैं। तो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड इसके बाद आपको कोई भी लगता है कि फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोग बेल आइकन नहीं दबाते हो, आप बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आप अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो इन दैट कंडीशन आपके पास में सारे के सारे मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, क्योंकि हम CTM है ना आज करने वाले हैं स्किन केयर में, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन का टाइप क्या है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं बट दे डोंट नो प्रॉपरली कि उनका स्किन टाइप क्या है। तो मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से अपनी स्किन के बारे में पता कर सकते हो कि आपकी स्किन का टाइप कौन सा है। आपको ये पता करना है सबसे पहले कि आपकी स्किन किस टाइप की है, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है या एक्स्ट्रा ड्राई है, किस तरीके की है। आपको इसके लिए क्या करना है, रात को जब सोते हैं उस समय, उस रोज सोते के बाद में जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको फेस वॉश नहीं करना है। उससे पहले आप एक सूखा हुआ यानी जो गीला ना हो ऐसा जो टिश्यू है, ड्राई टिश्यू लेना है, और उसको आपको पूरे फेस पर, सबसे पहले माथे पर, फिर नोज़ पर, फिर यहाँ यहाँ जो भी पूरा फेस है उसको बहुत अच्छे से डैप करना है हल्के हाथ से, और फिर उसके बाद में आपको ऐसे करके देखना है कि अगर आपका जो टिश्यू है अगर उसमें ऑयल आ गया है तो इन दैट कंडीशन आपकी जो स्किन है वो ऑयली है। फिर आपको देखना है कि अगर आपके इसमें कहीं पर भी टिश्यू में ऑयल नहीं आया है, इट मीन्स आपकी जो स्किन है वो ड्राई है। आपकी स्किन में आपने देखा कि हल्का फुल्का ऑयल है जो नॉर्मल होता है, इन दैट कंडीशन आपकी जो स्किन है नॉर्मल। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो कॉम्बिनेशन स्किन में आती है, कि हम उसका कैसे पता लगाएं कि वो कॉम्बिनेशन स्किन है। इसके लिए क्या करना है आपको, टिश्यू अगर आपको लगता है कि पूरे स्किन को करने के बाद में उसमें ऑयल आया है, तो आप दूसरा एक और टिश्यू लीजिए, और अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपके माथे पर लगाना है, नोज़ पर लगाना है और चिन पर, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ और यहाँ डैप अच्छे से करना है। अगर आपने देखा कि यहाँ यहाँ ऑयल है, यहाँ ऑयल है, बट ये जो एरिया बीच बीच में यहाँ पर ऑयल नहीं है, इन दैट कंडीशन ये माना जाता है आपकी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन स्किन है। कॉम्बिनेशन स्किन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि ना तो हम उसमें नॉर्मल स्किन के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं और ना ही हम उसमें ऑयली स्किन के, तो आपको बहुत देख के मार्केट से प्रोडक्ट लेने हैं जो कि आपकी कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ही बने हों, क्योंकि तभी आपकी जो स्किन है वो ठीक रह पाएगी, अदरवाइज उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। ये मेकअप रिमूवर है, इसमें आप देखिए ऊपर की तरफ ऑयल है और नीचे की तरफ जो है वाटर है। इन दोनों को शेक करूंगी जिससे कि ये दोनों अच्छे से मिक्स मैच हो जाए, एंड अब मैं कॉटन पैड से इसको पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी। मैं मेकअप रिमूवर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पूरे फेस पर मेकअप लगा हुआ है। अगर आपका मेकअप है तो आप पहले मेकअप रिमूवर से इसे अच्छे से रिमूव करिए, उसके बाद ही आप CTMN स्टार्ट कीजिए। तो फिर मैंने अच्छे से फेस अपना क्लीन कर लिया है मेकअप रिमूवर से। अगर आपके पास में मेकअप रिमूवर नहीं है, इन दैट केस आप पूरे के पूरे फेस को जो वाइप्स होते हैं, फेस वाइप्स होते हैं, उनके थ्रू अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो गीला रूमाल करके अपना फेस क्लीन कर लीजिए अच्छे से। CTM का प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ, इसके लिए सबसे पहले मैंने क्लिनजर लिया है। इस क्लिनजर को हथेली के बैक साइड में डालिए और उसके बाद में पूरे के पूरे फेस पे, नेक पे से अच्छे से अप्लाई कीजिए राउंड मोशन में, जिस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ ठीक इसी तरीके से आपको पूरे फेस पे से अप्लाई करना है। मैं नेक पे कर रही हूँ, आपको इसे फेस पे इसी तरीके से अप्लाई करना है। उसके बाद में कॉटन पैड के थ्रू इसे राउंड मोशन में करते हुए अच्छे से डैप डैप करते हुए इसे अच्छे से हटा देना है, स्किन को क्लीन कर लेना है, पूरा का पूरा नेक एरिया, पूरा का पूरा आपको फेस क्लीन करना है। और फेस क्लीन करने के बाद में कोई भी एरिया, चाहे वो आईलिड हो, चाहे वो आपके लिप्स हो, कोई भी एरिया आपको छोड़ना नहीं, सबको क्लीन करना है। कि स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन टाइप है तो इन दैट केस आप क्लींजर यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह क्लींजिंग के लिए आप फेस वॉश यूज करेंगे।
मिक्सिंग करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा टोनिंग का है, टी फॉर टोनिंग। इसके लिए मैंने ओरिफ्लेम का जो टोनर है वो यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन नॉर्मल है और मुझे ओरिफ्लेम की जो स्किन केयर रेंज है वो बहुत अच्छी है। आप उसको यूज कीजिए, आपको हर स्किन टाइप के प्रोडक्ट उसमें मिलेंगे। इसके बाद में मैंने कॉटन पैड पे उस टोनर को लगा दिया और मैं पूरे स्किन पे डैप डैप करते हुए इसको यूज करूंगी। क्लींजिंग में जो भी आपके डर्ट पॉइंट रह गए थे वो सबके सब इससे और अच्छे से क्लीन हो जाएंगे और हमारे जो ओपन पोर्स थे वो अब फिर से उसी फॉर्म में आ जाएंगे जिस फॉर्म में वो थे। इसके बाद देखिए स्किन कितनी ज्यादा रिफ्रेशिंग आपको फील होगी, बहुत ही अच्छा आपको फील होगा। आपके पास में टोनर नहीं है तो अगर आपके पास में इसकी जगह रोज वाटर है तो आप रोज वाटर को क्लींजिंग के बाद में पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कीजिए और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि वो स्किन के अंदर अच्छे से मर्ज हो जाए, अच्छे से चला जाए। क्लींजिंग एंड टोनिंग के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस मॉइस्चराइजेशन का है। इसके लिए आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हो, मैं बेबी क्रीम लेती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आती है। ऑयली स्किन वाले भी इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी अपने स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। ऑयली स्किन वाले विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि वो ऑयल बेस्ड क्रीम नहीं लेंगे बल्कि ऑयल फ्री क्रीम लेंगे। कोई भी जेल ले सकते हैं जिसमें ज्यादा ऑयल ना हो, बहुत लाइट क्रीम या मॉइस्चराइजर का उन्हें यूज करना है। आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने जो क्रीम ली है या जेल लिया है वो अपने स्किन के बैक साइड पे लिया है और उसके बाद में मैंने डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई किया है। ठीक इसी तरीके से आपको भी अप्लाई करना है, कोई भी फेस का एरिया छोड़ना नहीं है, नेक पे सब जगह इसको अच्छे से अप्लाई करना है, जिससे कि आपकी जो स्किन है बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो सके, सॉफ्ट हो सके और अच्छी हो सके। क्लींजिंग टोनिंग का अगर प्रोसेस आप रात के टाइम कर रहे हो तो इन दैट केस आप उसके बाद में कोई भी नाइट क्रीम लगाइए। मैं ओरिफ्लेम की रॉयल वेलवेट की नाइट क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। गाइस, स्किन केयर में जो ये CTMN है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इसको छोड़ेंगे या नहीं करेंगे तो उम्र से पहले आपकी स्किन में एजिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, पिगमेंटेशन हो सकते हैं, जो काले दाग धब्बे आपकी स्किन में हो जाते हैं, ओपन पोर्स की शिकायत हो सकती है एंड इसके साथ ही साथ अंडर आई डार्क सर्कल हो सकते हैं। स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और उम्र से पहले आपकी एज लगने लगेगी, स्किन पैची हो जाएगी अलग अलग तरीके की, आपकी यहाँ का कलर अलग, यहाँ का कलर अलग, ये कलर अलग, उस तरीके की आपकी स्किन दिखाई देने लगेगी। अगर आप प्रॉपर स्किन केयर ट्राई करते हो, प्रॉपर CTMN ट्राई करते हो तो इन दैट कंडीशन आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं इसका आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले मैंने क्लींजिंग की थी। क्लींजिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी स्किन की जितनी भी डर्ट होती है वो निकल जाती है, चाहे हम वो क्रीम बेस्ड, जैसे कि आपने उसमें वीडियो में देखा है, चाहे हम क्रीम बेस्ड यूज़ करें या हम फोमिंग यूज़ करें, यानी कोई भी फेस वॉश से अपना फेस वॉश करें। तो ये दोनों ही तरीके आप अप्लाई कर सकते हो। जो ऑयली स्किन वाले हैं वो फोम बेस्ड यानी फेस वॉश का यूज़ करें और जो नॉर्मल या जिनकी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, वो लोग यूज़ करें जो कि क्लींजर क्रीम बेस्ड होता है, तो आपको बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। क्लींजिंग के बाद आपने देखा कि मैंने टोनर का यूज़ किया था। हम टोनर क्यों करते हैं? जब हम क्लींजर करते हैं, चाहे हम फेस वॉश के थ्रू करें या हम क्रीम बेस्ड, जो क्रीम के थ्रू हमने करा था वो करें क्लीनिंग, इन दैट कंडीशन हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे वो ओपन हो जाते हैं। जैसे कि हमने घर में झाड़ू लगाया एंड उसके बाद आप देखते हो झाड़ू लगाने के बाद हमारा जो घर होता है वो साफ़ सुथरा हो जाता है। अगर हम उसको ऐसे ही दरवाजे खुले छोड़ दें तो क्या होगा? थोड़ी ही देर में हमारा घर फिर से गंदा हो जाएगा। सेम लाइक दैट स्किन, अगर हमने क्लींजिंग की है, फेस वॉश से फेस धोया है और उसके बाद में हम जो हमारे पोर्स ओपन हो गए हैं, अगर हम उन्हें खुला छोड़ दें, उन पर हम पर्दे ना डालें, यानी टोनर जो होता है वो पर्दे का काम करता है हमारी स्किन के लिए और पॉल्यूशन के बीच में, वो हमारे जो पोर्स होते हैं उनको फिर से उसी कंडीशन में ले आता है जिस कंडीशन में वो होते हैं। सो हमें जब भी हम क्लींजिंग करें, फेस वॉश करें, तो हमें टोनर का अप्लाई जरूर करना चाहिए। एंड बॉयज़ के लिए तो ये मस्ट है, क्योंकि उनके जो स्किन के पोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, क्योंकि मोस्टली बॉयज़ की जो स्किन होती है वो ऑयली होती है। एक बार को नॉर्मल और ड्राई स्किन वाले टोनर का यूज़ ना करें फिर भी चल जाएगा, बट ऑयली स्किन वालों के लिए और जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग होते हैं उनके लिए टोनर यूज़ करना इज़ वेरी जरूरी, वेरी एसेंशियल। CTMN में मैंने आपको सी बता दिया, क्लींजिंग करना, टोनिंग बता दिया एंड इसके बाद था मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग के लिए जो ऑयली स्किन वाले हैं आपने देखा था, मैंने बेबी क्रीम का उनके लिए यूज़ बताया था, या वो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई सी भी मॉइस्चराइजर लें लेकिन वो लाइट होना चाहिए। एंड जो नॉर्मल एंड ड्राई स्किन वाले हैं वो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्रीमी जो क्रीम है वो यूज़ करें मॉइस्चराइजर के रूप में। उनके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस को फॉलो करें। लास्ट में ज़्यादातर लोग आपको, आपने वीडियोस देखे होंगे उसमें CTM क्लींजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर बताते हैं, बट मैंने इसमें एक और टर्म यूज़ किया है CTMN, इट मीन्स
क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड नरिशमेंट। आपने दिन के टाइम तो ये कर लिया, अगर आपने रात में अपनी क्रीम को अपने फेस को ऐसे ही छोड़ दिया तो इन दैट कंडीशन आपकी जो स्किन है कभी भी अच्छी नहीं रहेगी। आप एक बार को दिन में CTMN ना करें, लेकिन रात को करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रात के समय हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो फेस होता है, हमारी जो स्किन होती है, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फॉर्म में होती है। और इन दैट कंडीशन अगर हम CT यानी क्लिंजिंग टोनिंग करने के बाद में अगर हम M को हटा दीजिए, क्योंकि M मीन्स मॉइस्चराइजर, वो आप दिन के टाइम यूज़ करोगे, CTN कोई भी नाइट क्रीम यूज़ करें, N फॉर नाइट क्रीम। आप कोई भी नरिशमेंट के लिए नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं। जो यहाँ पर भी आपको वही ध्यान रखना है कि जो ऑयली स्किन वाले हैं वो बहुत ही लाइट नाइट क्रीम यूज़ करेंगे और अपनी स्किन को देखकर करेंगे कि उस पर लिखा होना चाहिए कि दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन। इसी तरीके से नॉर्मल एंड ड्राई स्किन वाले अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो क्रीम है या कोई जेल है उसको रात में ज़रूर लगाइए। अगर आप सीरम्स लगाते हैं तो आप सीरम भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप कोई मॉइस्चराइजर लगाइए, चाहे कोई नाइट क्रीम लगाइए, चाहे वो आपका सीरम हो, फेस सीरम, उन इन तीनों को ही आप रात के टाइम अप्लाई कर सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट कि आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट चूज करने हैं, उन पे मेंशन होता है कि वो किस स्किन टाइप के लिए हैं, आपको वही देखना है। तो गाइस, आज का ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एंड अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट चूज़ कीजिएगा, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, और स्किन केयर का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, तभी आपकी स्किन अच्छी रह पाएगी। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड वन मोर थिंग, जितने भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उन सबका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। एंड कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ डू कमेंट मी। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।